नमस्कार, आरा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। महिलाओं के सम्मान में ही हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में महिलाओं के जीवन में सुधार लाने, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए कई विषयों पर जोर दिया जाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जागरूकता बढ़ाने के लिए जोर दिया जाता है, तो वहीं आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी के 75 जनपदों में तीन तीन बूथ पर केवल महिलाओं को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार के जरिए संरक्षित स्मारकों में विदेशी और भारतीय महिलाओं को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। यानी आज के दिन महिलाओं के लिए काफी कुछ सुविधा भरा है। वहीं राजस्थान की बात करें तो रोडवेज की बसों में महिलाएं फ्री में सफर कर सकेंगी, महिलाएं फ्री में सफर का लाभ उठाएंगी। दरअसल रविवार, बता दें कि 12 बजे से सोमवार रात के 11 बजे तक ये इस फायदे का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने सभी महिला कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि बेटियों का डंका जो है वो देश दुनिया में है। राज्य सरकार ने भी कई तोहफे दिए हैं बेटियों को। जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से बताते चले कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई बातें बताई जाती हैं और लोगों को महिलाओं के प्रति जागरूक किया जाता है कि महिलाओं के लिए किस तरीके से लोग, जिस तरीके से आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बताया कि महिलाओं के लिए अलग से, जिस तरीके से कोरोना चल रहा है तो कोरोना के लिए अलग से वैक्सीनेशन के लिए तीन बूथ अलग से बनाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रचना तिवारी, कवित्री जुड़ चुकी हैं। रचना जी, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये है। और सबसे पहली प्रतिक्रिया मेरी तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिवस का नाम नहीं है, ठीक है। और ये महिला खुद में एक वास्तुकार है, सृष्टि की शिल्पकार है। अगर आप देखें तो वैसे महिलाओं को चाहिए क्या? महिलाओं को सिर्फ एक साफ सुथरा समाज चाहिए, भयमुक्त समाज। रचना जी, जिस एक तर... बात जी रचना जी, जिस तरीके से आज महिलाओं के लिए सरकार ने खास इंतजाम किए हैं, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, सरकार ध्यान नहीं रही है। जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है। सरकारें बहुत आई थी, लोगों ने अपने अपने ध्यान दिया, लेकिन जो ये सरकार आई है, जी हम अभी सोनभद्र में हैं। आपको एक, हमारा सोनभद्र 8 ब्लॉक का जिला है, ठीक जी है। जी 8 ब्लॉक में एक ब्लॉक हमारे यहाँ बगनी है, जो जी एकदम इंटीरियर में है, तो जी नक्सल प्रेरित इलाका। हम आपसे बता दें, वहां पर जाकर देखेंगे तो गांव की महिलाएं, जिन बस्तियां एकदम विरल है, एनआरएलएम के तहत वो इतना ज्यादा विकास कर रही हैं, चिप्स बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, उनके उत्पाद बाहर जा रहे हैं, खुश हैं। और वो अपने घर को पूरी समेट करके और प्रसन्नता पूर्वक इस काम को करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को, तो बड़ा अच्छा लगता है करके कि सुदूर गाँव में जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर ऐसी ऐसी योजनाएं आई हैं सरकार की, जो कहीं ना कहीं महिलाओं में कारगर सिद्ध हुई। जी रचना जी, जिस तरीके से आप एक कवित्री हैं और
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप अपने कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, पहले तो हम कविता के माध्यम से बहुत सारी चीज देना चाहेंगे। फिजिकली हम चाहते रहे बहुत मेहनत लेके, हम महिला हैं हमें अधिकार चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां हम मूल में जाना चाहते हैं कि जहां से महिला सशक्त होती है, हमें भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए, जहां हम मजबूत होते हैं, ठीक है, हमें बलात्कार रोकना चाहिए, और जो हमारी छोटी छोटी बेटियों का शोषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए। एक किट है छोटा सा, और उस माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो हम उसको सुना दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हर औरत के जीवन में, हर औरत के जीवन में नई सुबह आ जाएगी जिस दिन भारत की धरती कर नर्म मुक्त हो जाएगी, जिस दिन भारत की धरती दुष्कर्म मुक्त हो जाएगी, हर औरत के जीवन में एक नई सुबह आ जाएगी जिस दिन भारत की धरती दुष्कर्म मुक्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी आप वो थाना चौकी हो कोतवाली कोई न्याय की बात नहीं करता, बस देह देखता है खाली, कोई न्याय की बात नहीं करता, बस देह देखता है खाली, कहता है रात चली जाना, कहता है रात चली जाना, कल सुलह तेरी हो जाएगी जिस दिन भारत की धरती दुष्कर्म मुक्त हो जाएगी, हर औरत के जीवन में। और एक प्रश्न पूछती है औरत, एक प्रश्न पूछती हूँ सबसे, वो किस योनि में आते हैं जो नन्नी मुन्नी कलियों का जीवन खराब कर जाते हैं। एक प्रश्न पूछती हूँ सबसे, वो किस योनि में आते हैं जो नन्नी मुन्नी कलियों का जीवन खराब कर जाते हैं, उनकी भी माँ बहने खींचो तब पीड़ा उन्हें सताएगी, उनकी भी माँ बहने खींचो तब पीड़ा उन्हें सताएगी जिस दिन भारत की धरती दुष्कर्म मुक्त हो जाएगी, हर औरत के जीवन में एक नई सुबह आ जाएगी जिस दिन भारत की धरती दुष्कर्म मुक्त हो जाएगी। विज्ञापन हम पे इतराते, 100 चैनल हमको दिखलाते, अधनंगा सा हमको करके फिर दीवारों पे चिपकाते, विज्ञापन हम पे इतराते, 100 चैनल हमको दिखलाते, अधनंगा सा हमको करके फिर दीवारों पे चिपकाते, दौलत की खातिर जब औरत जिस्म नहीं दिखलाएगी उस दिन भारत की धरती दुष्कर्म मुक्त हो जाएगी, हर औरत के जीवन में। औरत युग की निर्माता है, उसका भी वही विधाता है, अपने घर की इज्जत समझो और समझो कि कुछ नाता है, औरत युग की निर्माता है, उसका भी वही विधाता है, अपने घर की इज्जत समझो और समझो कि कुछ नाता है, वरना रचना की कविता यूं ही आग उगलती जाएगी जिस दिन भारत की धरती दुष्कर्म मुक्त हो जाएगी, हर औरत। ये चीज जोर होनी चाहिए हमारे समाज। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि दुष्कर्म मुक्त समाज होना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में डर होता है। नहीं, औरत को देह से क्यों देखा जाता है, ये विचार बदलने चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, समाज परिष्कृत होना चाहिए। चलिए, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो लगातार जो सरकार है वो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुविधाओं के लिए तमाम सारी योजनाएं ला रही है। और अगर बात करें अन्य राज्यों की, तो आज
जिस तरीके से तेलंगाना की बात करें तो वहां पर महिलाओं को बस में फ्री में आने जाने की सुविधा दी गई है। और हमारे साथ अभी जुड़ रही हैं डॉक्टर अनीता चंद्रा, बातचीत करने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। बहुत थैंक यू। गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर अनीता रमेश। जी मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इससे सबसे पहले आपकी जिस तरीके से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। महिला आज है वर्ल्ड वुमेन्स डे। एक्चुअली सब दिन वुमेन्स डे है आज, तो अलग सा नहीं है, बट आज ऐसा है कि हमारे पास अवेयरनेस होना चाहिए सभी के अंदर की वो क्या इम्पोर्टेंस है। और हम एक डॉक्टर है तो हम कैंसर का स्पेशलिस्ट है अपोलो चेन्नई कावेरी हॉस्पिटल कविता मेडिकल कॉलेज में, तो हमारा ये बहुत ही जरूरी है आदमी और लेडीज को, इवन जेंट्स फॉर जेंट्स मेन ऑल्सो, कि अवेयर कि हमारा हेल्थ के बारे में काफी आदमी हम अच्छा सही ढंग से हेल्थ को नहीं देखते हैं। मास्टर हेल्थ चेकअप करना है हर साल लेडीज के अंदर, वो ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है एंड यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। उसके लिए रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन करना शुरू करना है 40 साल के अंदर, एंड उसके बाद नाखून की कटिंग हर ईयरली एक्टर को भी दिखाना है। जिंदगी पर चलेगा तो ऊपर से सर्वाइकल कैंसर ये भी है जो हमारे करना है, जो लेडीज सेक्सुअल जो 25 ईयर से हर 3 साल करना है, डॉक्टर से भी मिलना है कि दोनों कैंसर क्लिनिक के, तो हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉपुलर डिजीज है इसका उसका रेट ये कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा बढ़िया हमारे पास है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में पकड़ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इट इज क्योरेबल। सर्जरी कीमो रेडिएशन करने के बाद हमारे का इंडिया का रिजल्ट एकदम 70-80, कभी कभी 80-90% भी हम लोग क्योर कर लेते हैं, सब बेबीज अपना जिंदगी जी लेते ठीक हो जाते हैं 2 से 5 साल के अंदर, और इलाज खाली 6-7 महीना तक चलता है। तो ये सबको बोलना चाहिए, 2 खतरनाक बीमारी नहीं करना है, हमारे पास अवेयरनेस चाहिए इसको हो सकता है। बचपन में भी होता है हमारे पास आते हैं जो 15 से 20 साल की ब्रेस्ट कैंसर है, कैंसर है, तो हमारे जी पास चाहिए नहीं होता है, पता नहीं। तो इसी से हम सब लेडीज को बोलते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप हॉस्पिटल जाइए, इसके लिए एक बार साल में कराना, उसके साथ साथ लिव गुड हेल्थी लाइफ, आप लॉट ऑफ फ्राइड फूड, बहुत शुगरी आइटम, नून घी चीनी इसको कम करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, ज्यादा फ्रूट खाना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग प्लीज डोंट डू, और इसके लिए वित्तीय ध्यान रखना है जी। करना है, अपने आप करते रहिए इसके साथ साथ अपना जिंदगी अपना ख्याल, बिकॉज अपना तबीयत अगर ठीक है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारा तबीयत जब खराब जाता है कोई हमको देखने ही है, तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज टेक केयर, एवरीथिंग विल फॉलो, थैंक यू। जी, जिस तरीके से मैम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सबसे ज्यादा कोरोना काल के समय में, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने कार्य किया तो वो महिलाओं ने किया। महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से, चाहे वो कोरोना वैक्सीन को लेकर हो या फिर कोई और बात हो, तो नर्सेस भी जिस तरीके से महिलाएं सबसे आगे रही, तो कोरोना को देखते हुए मैम क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? कोरोना वायरस अब तक छोड़ा नहीं है, ये चल रहा है, सेकेंड आ रहा है, दिखाई दे रहा है, केसेस बढ़ रहा है, तमिलनाडु में आज भी 500 ऊपर केसेस आ चुके हैं, तो ये कोरोना में आ रहा बहुत सारा, हम लोग लॉकडाउन पे करते थे तो लेडीज का काम ज्यादा था, घर का बनाना, सैनिटाइजर करना, मास्क पहनना, दूरी दो दो गज दूरी रखना, बच्चा को भी देखना, उसके साथ साथ काफी लेडीज काम करते हैं वो काम में ले जाए, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, होम हाउस प्रॉब्लम बहुत सारे आ चुके हैं, तो हम लोग बहुत ये सब दिक्कत के टाइम में फाइटिंग इट अप, होपफुली
बी ब्राइटर। और ये हमारा लेडीज को ये चाहते हैं कि हिम्मत रखिए, हम लोग ये तो जीत जल्दी जीतेंगे, थोड़ा टाइम देना है। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, लाइक आई हेल्थ केयर वर्कर, हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है बट आपका नहीं हुआ है, इसीलिए गार्ड छोड़ना चाहिए, मास्क कभी करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, 2 गज रखना हिसाब से हमको एक साथ चल, बहुत ज्यादा जहाँ पे भीड़ हो वहीं पे जाना है, डिस्टेंस मेंटेन के एंड वी विल टेक ओवर रिसेंट। चलिए, आपने वक्त दिया मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो जगह जगह पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं कि किस तर... किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, और लगातार इस चीज़ को लेके जानकारी भी दी जा रही है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीनू कनौजिया फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, वो बताएंगी। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज़ पर। हाँ सर, थैंक जी मैम, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे मैम। सर, हम ये कहना चाहेंगे महिला ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिक्रिया ये है मेरा कि जी पहले जो था वो महिलाओं की स्थिति, हम अब जैसे महिलाओं की स्थिति पहले नहीं था, जी उनमें सुधार लाने के लिए। जिस तरीके से मैम लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम देखिए, अब हम इस पे हमारा विचार ये नहीं है कि ये मतलब अपराध ऐसे, इसको रोकथाम के लिए तो हम लोग पूरा कोशिश किया जा रहा है पूरे पूरे तरीके से कि जिस तरीके से हर एक जी स्त्री परिचारी से ये मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति बनाया गया, ये एक अभियान के तहत पे बताया जा रहा है, नारी और बालिकाओं महिलाओं के लिए जी इन लोगों को बताया जा रहा है, कुछ हेल्पलाइन नंबर है और इसमें ये भी है, इसमें साइबर क्राइम भी इंक्लूड है, उनके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी हो सकता है, ऊपर से ये एंटी रोमियो स्क्वाड भी गठित है स्पेशली बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए है, मतलब बालिकाओं और स्टूडेंट के लिए है, तो हम लोग जाके बताते हैं कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत है तो आप शिकायत पेटिका में लिख के डालिए और उन लोग का नाम पता गोपनीय रखा जाता है, महिलाएं और बालिकाएं मतलब अक्सर बालिकाएं जो होती हैं आप पता उजागर ना हो, मतलब वो बाहर ना आए इसलिए डर के अपनी कोई बात बताती नहीं है, इस वजह से ये है कि उनको बताया जाता है कि अपना नाम आप गोपनीय रखिए, जो भी शिकायत है उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ उसका नाम पता डालिए, तो ऐसे हम लोग इस चीज के कंट्रोल में लाया जा रहा है, हमको लगता है धीरे धीरे इसमें सुधार बहुत आ रही है, हमको ऐसा लगता है। जिस तरीके से मैम हेलो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो महिलाओं को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो और जिस तरीके से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, तो मिशन शक्ति जो चलाया जा रहा है, तो इसको बिल्कुल सर, लेकर आप क्या जानकारी साझा करेंगे? जानकारी मिशन शक्ति के तहत मतलब ये है, सरकार का ये है कि मतलब नारी और बालिकाओं को हर एक चीज की प्रोवाइड तो करा दिया गया है, सुविधाएं बहुत प्रोवाइड है लेकिन उनको जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए सरकार इस तहत ये चलाया है कि हमारी फोर्स जाके रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों जाके उनको बताएंगे, यही चीज ये तो बहुत दिनों से चला है, हेल्पलाइन नंबर तो बहुत दिनों से चल रहा है, हर एक चीज चलाया गया लेकिन इसके तहत बालिकाओं और महिलाओं को जाके जागरूक किया जा रहा है और बच्चियां जो पढ़ रही हैं चाहे उनको बताया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी रहेगी तो भी उसका मतलब उपयोग कर सकती हैं, हमारे कहने का मतलब यही है कि इसकी जानकारी तो मतलब ये चला बहुत पहले से है लेकिन जानकारी ना होने के अभाव में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इससे अपराध बढ़ते जाते थे, अब इसी को रोकथाम के लिए, अपराध को रोकथाम के लिए जी कदम मैम, उठाया सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो हमको लगता है इसमें बहुत सुधार आया है क्योंकि मैं मिशन शक्ति के तहत ही चल रही हूँ। जिस तरीके से आप आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप महिलाओं और बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे यही संदेश देना चाहते हैं सर कि महिलाएं खुद मतलब सशक्त बने, स्ट्रांग बने, किसी चीज को किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए उनके अंदर वो स्ट्रांगता सशक्त रहेंगी तभी वो किसी चीज से लड़ सकती है और खुद को स्ट्रांग बनाए, मेरे कहने का यही तात्पर्य आज के दिन पे,
जो खुद को स्ट्रांग बनाए, अपने अधिकार को जाने, अपना अधिकार क्या है उस अधिकार को जाने, उसके अनुसार वो चले, चलिए यही हम आप कहना चाहते चलिए हैं। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिला दिवस को लेकर जगह जगह पर जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी जैसा कि आपने सुना कि महिलाओं को सशक्त रहने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन भी प्रयास कर रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि हमारे साथ अब प्रोफेसर सुभाषिनी नायर जुड़ चुकी हैं, जिस तरीके से उनसे बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। नमस्ते। जी मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले आपका प्रतिक्रिया चाहेंगे। महिला दिवस से तो पहले तो मैं सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोलना चाहूंगी। हमारा जो प्रोफेशन है, जहाँ पे हम भी देखते हैं कि काफी लड़कियां हैं जो एज अ स्टूडेंट है, लड़के भी होते हैं क्लास में एज अ स्टूडेंट, जी इस दिन यही बोलूंगी कि हमने काफी रूल्स निकाले हैं, रेगुलेशंस निकाले, पॉलिसीज है वुमेन के लिए, बट सबसे बहुत इम्पोर्टेंट एट एन एजुकेशनल लेवल जो हम सोचते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी ये जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। काफी लड़कियां आज भी आके हमें बोलती है कि लाइक यू नो, हमें सिर्फ पढ़ने को बोला गया है, जॉब के लिए मना किया है। काफी फैमिलीज में अभी भी ऐसी उनके ऊपर प्रेशर डाली जाती है कि एज अ लड़की आपका जॉब सिर्फ यही है कि अभी आप पढ़ लो, कल जाके आपको कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के घर पे जाके सेटल होना है। जी बिल्कुल तो ये एक मेंटालिटी चेंज जो है वो सोसाइटी में इवन इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी मुझे लगता है लाने की जरूरत है। कॉलेज लेवल में काफी एक्टिविटीज होती है जिसमें हम ये सब करते हैं, बट एक ही निवेदन होगा कि सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये एक्टिविटीज उन्हें बच्चों के पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, क्योंकि पहले जागरूकता उनमें लाना है, तभी ये लड़कियां जो है इनको भी आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। तो जिस तरीके से मैम आपने जो छात्राएं हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा संदेश सिर्फ यही होगा कि जैसे आप अपने आप को सक्षम कीजिए, किसी पे भी अपनी चीजों के लिए डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद के पैरों पे खड़े होंगे तो कल आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए, अगर आप कुछ पाना चाहते हो उसको गोल रखकर उसके पीछे लगना ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। तो जिस तरीके से आज का जो जनरेशन है और जो जिस तरीके से अपराध भी बढ़ रहे हैं और आए दिन स्कूलों में रैंकिंग भी होती है जिस तरीके से, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। फॉर्चुनेटली रैगिंग एट अ कॉलेज लेवल, मुंबई लेवल कॉलेजेस में तो मुझे लग रहा है कि काफी कम हो चुका है, क्योंकि काफी इसके रूल्स जो है यूनिवर्सिटी ने बहुत टफ की है, बट फिर भी काफी अगर कोई रैगिंग होती है तो अभी सारे महाविद्यालय में एक एंटी रैगिंग सेल है जिसके थ्रू हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम सारी छात्राओं से यही निवेदन होगा कि अगर आप कभी रैगिंग का शिकार होते हो तो उसे रिपोर्ट करना सीखो। काफी चीजें रिपोर्ट नहीं होती है तो पता ही नहीं चलता, तो आगे आके बोलना बहुत जरूरी है। चलिए आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आपने सभी की बातें सुनी और जाना कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने अपने लोगों ने विचार रखे हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों ने ये जागरूकता मतलब मुहिम चलाई है कि महिलाओं को सशक्त होना है और कुछ भी अगर बात होती है तो उसे अपनी आवाज उठानी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।